हेलो दोस्तों, इंसान अपने विकास के लिए नई नई खोजें करता रहता है, लेकिन फ्यूचर किसी को पता नहीं कि कब क्या हो जाए। तो दोस्तों, कभी कभी एक सवाल सामने आता है कि इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या वो एलियंस हैं, या उल्कापिंड, या फिर AI, या कुछ और? तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि क्या 10 सबसे बड़े खतरे हैं इंसानों के लिए। नंबर 4 तो हैरान करने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। कई बार वैज्ञानिक बोल चुके हैं कि एलियन हम पर नजर रख रहे हैं। अगर दूसरी दुनिया, ग्रह या सौर मंडल से आने वाले जीव इंसानों पर हमला कर दें तो क्या होगा? मान लिया जाए कि एलियंस हैं, तो आप उनके यान की गति और आने जाने की स्पीड की कल्पना कर देख सकते हैं। अगर कभी हमला हुआ तो पृथ्वी से इंसानों की पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में आशंका है कि उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकते हैं। हमारी धरती से डायनासोरों की पूरी प्रजाति को उल्कापिंड एक बार खत्म कर चुके हैं। अब अगर कोई टक्कर होती है तो इंसान सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। डायनासोरों के पास इंसानों जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इंसानों के पास भी कोई बहुत ज्यादा ताकतवर तकनीक नहीं है। अगर दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं, खत्म हो जाएं, तो बस इंसान पृथ्वी पर सिर्फ 4 साल ही जिंदा रह पाएगा, ऐसा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। क्योंकि मधुमक्खियां पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फसलें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी, फल भी नहीं लगेंगे, फूड सप्लाई बाधित होगी। इंसान पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की सारी जरूरी चीजों पर हमला कर दें, उन्हें अपने कब्जे में ले लें, अपने हिसाब से बैंक, विमान सेवाएं, संचार व्यवस्था, ट्रैफिक सब पर नियंत्रण कर लें, हथियारों पर कब्जा कर लें? अगर AI ने परमाणु हथियारों पर कब्जा कर लिया तो उन्हें कहीं भी ताक सकते हैं, साथ ही AI साइबर अटैक भी कर सकते हैं। साधारण AI ही इंसानों का जीवन बेहतर या खराब कर सकता है, तो अगर मामला क्वांटम कंप्यूटिंग के स्तर तक खराब हुआ तो प्रलय आ जाएगी, क्योंकि यह AI से भी ज्यादा ताकतवर टेक्नोलॉजी है। क्वांटम कंप्यूटिंग किस कदर तबाही मचा सकती है, इसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता है। ये एक झटके में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, हैकिंग कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि आबादी के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन चुका है। दोस्तों, इंसान खुद अपने लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। इंसानों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो एक दिन खुद ही खत्म होने लगेंगे, क्योंकि ज्यादा आबादी का मतलब ज्यादा आर्थिक असंतुलन। इंसानों के लिए जरूरी है आर्थिक स्थिरता। आबादी बढ़ेगी तो ये चीजें कम होती चली जाएंगी, जिससे संघर्ष बढ़ेगा जो भयानक हिंसा में बदल सकता है। पहले यह इंटरेस्टिंग चीजों के लिए था, जैसे नए लोगों से मिलना, बातचीत करना इत्यादि, लेकिन अब इसकी वजह से लोगों में चिंता, डर और हिंसा की भावनाएं जागती हैं। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, फर्जी खबरें, गलत सूचनाएं डालने की वजह से अब लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया की वजह से झगड़े और हत्याएं तक हो जाती हैं। साथ ही एक दूसरे से गाली गलौज तो आम बात हो चुकी है। COVID-19 इकलौती महामारी नहीं है जिसने करोड़ों लोगों की जान ली है। इससे पहले कई महामारियों ने इंसानों को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर दिया था। भविष्य में फिर ऐसी महामारियां जरूर आएंगी। इंसान कितनी भी तैयारी क्यों न कर ले, कौन सा वायरस, बैक्टीरिया या फंगस कब किस तरह से अपना रूप बदल कर धोखा देगा, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से परमाणु हथियारों को इंसानों की सभ्यता को खत्म करने का सबसे आसान माध्यम माना जाने लगा है। हिरोशिमा नागासाकी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अगर रूस, चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार संपन्न देश आपस में जंग करते हैं तो पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज ना तो ठीक हो सकता है, ना इंसान इसे सुधार सकते हैं। पहले दशकों में एक बार आने वाली बाढ़ और सूखा अब हर साल आ रहे हैं। जंगलों में लगातार आग लग रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। जहां पहले ग्लेशियर हुआ करते थे, आज वहां नावें तैरने लगी हैं। क्लाइमेट चेंज ही सबसे बड़ी मुसीबत है इंसानों के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरा किससे है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।